आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। दूर दराज से आए फरियादियों की सुनी फरियाद। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद दोपहर बाद लखनऊ के लिए हुए रवाना। सीएम योगी ने गीडा में 143.69 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण व शिलान्यास। सौंपा गीडा में 1005 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव देने वाले 6 नए निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र। कहा, निवेश सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है उत्तर प्रदेश। पूरे देश में नजीर के रूप में ली जा रही यूपी की कानून व्यवस्था, सुरक्षा के माहौल से यूपी बना निवेशकों का पसंदीदा स्थान। गीडा में सीएम योगी ने उद्यमियों के स्टॉलों का किया अवलोकन। बातचीत कर बढ़ाया उनका उत्साह। सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा, नोएडा की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है गीडा। छह नए निवेशकों व रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के 5 उद्यमियों को सीएम के हाथों मिला भूमि आवंटन पत्र। निवेशकों व उद्यमियों ने कहा, जितना काम 22 साल में हुआ है उससे दुगना काम किया है योगी सरकार ने। महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में 144 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा, विकास ही उज्जवल व मंगलमय भविष्य की है गारंटी। हर एक व्यक्ति को न्याय, हर एक व्यक्ति की सुरक्षा, यही है सरकार की मंशा और प्राथमिकता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना के 3 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपा आवास की चाबी तथा गोवंश रक्षा के लिए भूसा दान देने वाले 3 लोगों को प्रदान किया प्रशस्ति पत्र। छह रोगियों के परिजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दवा के किट्स का किया वितरण। लाभार्थियों ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद। दुष्कर्म के आरोप में कई महीनों से वांछित चल रहे एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गीडा में साहू समूह के स्टॉल का सीएम योगी ने किया अवलोकन। साहू समूह के सीएमडी अजय साहू ने कहा, 1 मई को एलईडी टीवी और रविवार को वॉशिंग मशीन किया है लॉन्च। उनकी कंपनी ने पूर्वांचल के लोगों से मिला है भरपूर प्यार। और गीडा में उद्यमियों के स्टॉलों में से एक पर लगे ई बाइक पर सदर सांसद रवि किशन हुए मुग्ध। ई बाइक को चलाकर लिया ट्रायल। कंपनी के फाउंडर ने कहा, ई बाइक एक बार चार्जिंग करने पर चलेगी 150 किलोमीटर और प्राइस है मात्र 90,000 रुपए।